Hello and welcome to Bhadudi Foundation. In this lecture, we will study chapter 5, Coal and Petroleum of Class 8th and We have already highlighted the important points and we will study only those important points that you need to memorize for the examination purpose. Let's start. Air, water, soil.

ये ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट हो सकते हैं इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर नैचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू टू काइंड तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिसोर्स को नैचुरल रिसोर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से एक जो इन एग्जॉस्टिबल है नेचुरल रिसोर्स मतलब जो ख़त्म नहीं होंगे और जो दूसरा है एग्जॉस्टिबल है जो ख़त्म हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेस वो तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस आर प्रजेंटिड अनलिमिटेड क्वान्टिटी नेचर तो अनलिमिटेड क्वान्टिटी में अवेलेबल है नेचर में एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ और वो ख़त्म होने वाले नहीं है ह्यूमन एक्टिविटी से जैसे कि सनलाइट जैसे कि एयर तो ये इन नेचुरल और जो एग्जॉस्टिबल है द अमाउंट ऑफ दीज रिसोज इन इज लिमिटेड इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है तो दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज तो इसलिए ऐसे नेचुरल रिसोर्सिस खत्म हो सकते हैं एग्जाम्पल्स क्या है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल्स कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सेट्रा तो ह्यूमन एक्टिविटी से फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट को काटते हैं तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी अगर उनकी पोचिंग होती रही तो शिकार होता रहा तो मिनरल्स कोल पेट्रोलियम ये सब खत्म हो जाएंगे इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस

जमीन के अंदर जब दब गए और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अंडर हीट एंड प्रेशर वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल रिमेंस में तो वो अब पेट्रोलियम पेट्रोल और कोयल के रूप में नेचुरल रिसोर्सेस बन गए हैं अब है कोल इट इज़ ए हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर पत्थर की तरह हार्ड होता है और काले कलर का कोयला होता है कोल इज़ वन ऑफ़ द फ्यूल यूज टू कुक फूड और बहुत सारे ईंधनों में से कोयला एक ईंधन है जो खाना पकाने के लिए यूज होता है अर्लीअ इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन पहले के समय में जब बिजली नहीं थी तो स्टीम इंजन में कोयले का प्रयोग होता था रेल चलाने के लिए इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और आज भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोयले का ही यूज़ होता है कोल इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ईंधन फ्यूल के रूप में कोयले का प्रयोग होता है अबाउट थ्री हंड्रेड मिलियन ईयर गो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज लगभग तीन सौ मिलियन साल पहले डेंस फॉरेस्ट थे पृथ्वी पे वेटलैंड एरिया में

टेम्परेचर भी जमीन का बढ़ता गया अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा गर्मी से डेड प्लांट्स गोड स्लोली कन्वर्टेड टू तो कोल तो सारे डेड प्लांट्स धीरे धीरे कोयले में बदल गए एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइजेशन क्योंकि कोल में कार्बन होता है इसलिए प्लांट का कोल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल क्योंकि वेजिटेशन से बने हैं कोल इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं व्हेन हीटेड इन एयर कोल बंस एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हवा में कोयले को, को जलाया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक कोल कोल तार एंड कोल गैस तो कोल को प्रोसेस करके उसका कोल तार बनाया जा सकता है कोल गैस बनाई जा सकती है कोक बनाया जा सकता है आप पढ़ते हैं कोक क्या होता है कोक इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस टफ मटेरियल है पोरस मटेरियल पोरस माने जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं हल्का टाइप का पोरस है और ब्लैक एक सब्सटेंस है इट इज़ एन आलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील कोल कोक को यूज़ किया जाता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने में एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी कोक का यूज होता है कोल तार इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड ब्लैक थिक लिक्विड होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट टू हंड्रेड सब्सटैंसेज दो सो कम से कम दो सो सब्सटैंसेज का मिक्सचर होता है कोलतार तो दीज डेज बिट्यूमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक बिट्यूमेन है जो की पेट्रोलियम का बा प्रोडक्ट है प्लेस ऑफ कोलतार कोल तार के जगह यूज किया जाता है बिट्यूमन कोल तार का यूज सड़क बनाने में किया जाता था आजकल बिट्यूमन का प्रयोग किया जाता है फॉर मेटलिंग द रोड सड़क को मेटल वाला बनाने के लिए कोल गैस कोल गैस इज ऑबटेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक जब हम कोल को कोक बनाते हैं उस प्रोसेस में कोल गैस निकलती है कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन In 1810, 1810, में में. सबसे पहले कोल गैस का यूज हुआ था स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए लंदन देन लाइट अब लाइट के जगह हीट के जनरेट करने में इसका यूज किया जाता है पेट्रोल एंड डीजल आर ओबचे फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कार्ड पेट्रोलियम तो पेट्रोल या डीजल को नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है द वर्ड पेट्रोलियम ड्राइड फ्रॉम पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम ऑयल मतलब चट्टानों का तेल निकाल कर पेट्रोलियम बनता है एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ क्योंकि ये उन चट्टानों से निकाला जाता है जो पृथ्वी के नीचे दबी हुई है पेट्रोलियम वॉज फॉर्मड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है उन ऑर्गेनिज्म से जो कि समुद्र में रहती है एज दीज ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कन्वर्टेड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले जो एनिमल्स थे ऑर्गेनिजम्स थे वो डेड हो गए और समुद्र की तली में दब गए बॉटम में दब गए उस पर और कवर होती गई सैंड के लेयर्स लेयर्स लेयर्स

दर्ड फर्स्ट ऑयल वॉस ड्रिल्ड इन पेंसिलवेनिया यू एस ए इन एटीन सबसे पहले जो ऑयल को ड्रिल करके निकाला गया था वो पेंसिलवेनिया में निकाला गया था जो कि यूएसए में है 1859 में इन 1867 ऑयल वॉस स्ट्रक इन मकुम इन असम 1867 में 1867 में असम में मकुम जगह पर भी तेल निकाला गया इन in इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम इंडिया में आसाम में तेल मिलता है गुजरात में मुंबई हाई में एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन में भी तेल मिलता है मतलब रिवर के आसपास का एरिया रिवर बेसिन अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन करते हैं कैसे साफ करते हैं कैसे प्रोसेस करते हैं पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड डार्क ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोलियम इट हैज अनप्लीजेंट ऑडोर गंदी इसमें बदबू होती है ऑडोर होती है इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस इसमें अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर uh, होते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल लिब्रिकेटिंग ऑयल पैराफीन वैक्स एटसेट्रा द प्रोसेस ऑफ सीपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम सारे अलग अलग इसके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं अलग करते हैं फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग तो इसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं इट इज़ कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी तो पेट्रोलियम की जो फैक्ट्री होती है उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं जिसमें पेट्रोल के अलग पेट्रोलियम के अलग अलग पार्ट्स को डिस्टिंग सेपरेट किया जाता है मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ओबेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हम प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस से दीज आर टम पेट्रोकेमिकल्स और जो कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं जो हम प्रोसेस करके पेट्रोलियम और नैचुरल गैस से निकालते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है दीज आर यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट और इनका यूज किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में फाइबर बनाने में पोलीमर नाइलोन एक्रीलिक एक्सेट्रा पोलिथीन बनाने में एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स बनाने में इनका यूज किया जाता है कि इनका पेट्रोकेमिकल्स का हाइड्रोजन गैस ऑबटेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर हाइड्रोजन गैस का जो यूज होता है वो फर्टिलाइजर यूरिया बनाने में होता है ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शल इंपोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड क्योंकि कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत है पेट्रोलियम की मतलब पैसा बहुत कमाया जा सकता है पेट्रोलियम से इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है काला सोना भी कहा जाता है नेचुरल गैस नेचुरल गैस क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड तो पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड नेचुरल गैस नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपोर्टेंट फॉसिल फ्यूल बोथ इंपोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज़ इट इज इजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइपलाइंस क्योंकि इसको पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कम्प्रेस नेचुरल गैस तो नेचुरल गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं जैसे सी को कंप्रेस करते हैं सी एन जी यूज फॉर पावर जनरेशन और सी का यूज पावर जनरेशन में होता है इट इज नाउ बींग यूज एज ए फ्यूल आजकल कल सी का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग और इट इज़ क्लीनर फ्यूल क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग पोल्यूटिंग प्लु। और क्लीनर है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सी एन जी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स सी एन जी का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है बर्निंग के लिए फैक्ट्रीज में वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स जहाँ पर इसको पाइप के जरिए पहुँचाया जा सकता है इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इंडिया के पास नेचुरल गैस के बहुत सारे भंडार हैं रिजर्व्स हैं कहा जाती है इंडिया में त्रिपुरा में राजस्थान में महाराष्ट्र में एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है कोल एंड पेट्रोलियम सब नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड हाँ तो so, क्या लिमिटेड है कोल एंड पेट्रोलियम आर फोसिल फ्यूल्स ये क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स है इट रिक्वायर द डेड ये कैसे बनते हैं डेड ऑर्गेनिजम होने चाहिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको कन्वर्ट होने में इन टू दीज फ्यूल्स द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ ए मेजर कॉज ऑफ़ एयर पोल्यूशन और इनको बर्निंग से एयर पोल्यूशन भी होता है तो दीज देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग तो इनका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी तो इसलिए इनका सभी प्रयोग करना चाहिए जब यह बहुत जरूरी हो रिजल्ट इन पैट इन्वायरमेंट इससे क्या होगा तो हमें वातावरण साफ मिलेगा स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए longer पीरियड ऑफ टाइम और इनकी अवेलेबिलिटी लॉन्गर टाइम तक रहेगी पेट्रोलियम और कोल की जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी use of resources पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इंडिया में पी सी आ रहे hai petroleum conservation कंजर्वेशन माने बचाना रिसर्च एसोसिएशन है जो कि एडवाइस करते हो पीपल को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाई ड्राइविंग के पेट्रोल डीजल को कैसे बचाया जाए ड्राइव करते समय तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड मेमोराइज ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द परपज ऑफ़ एग्ज़ाम डाउनलोड कर लीजिए ऐप बहादुरी फाउंडेशन डॉट कॉम उसमें सिक्स क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक की सारी एन सी आर टी को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया है थैंक यू